السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم معزز سامين ناظرين كتاب أربعون نوية كي تسري حديث آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا जिसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने रिवायत किया है हज़रत अब्दुर अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि وسلم ने फ़रमाया किमर बिन खत् अब्दुल्ल बिन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तुम बयान करते हैं कि सीत समियतुलनबी सकूल कि मैंने रसोल्ला सल्ह वसलम को फरमाते हुए सुना बनियाँ खमसिन कि इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है शहादत अल्लाह अल्ला व अन महमदन रसूल इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं और अल्लाह के रसूल हैं विकाम सलाह और सलात क़ायम करना यानी नमाज़ क़ायम करना व इताई जका ज़ात अदा करना व हजिल्बैती और हज बैतल्लाह करना व सौम रमजान और रमज़ान का सोम रखना रमजान के महीने के रोज़े रखना ये हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम शरीफ की है इस हदीस पाक से हमें चंद फवायद अहकाम मालूम होते हैं नंबर एक इस हदीफ पाक में इस्लाम के पांचों अरकान का बयान है आपने देखा कि नंबर एक इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं नंबर दो सलात कायम करना नंबर तीन जक़ात अदा करना नंबर चार काबा का हज करना यानी हज बैतुल्ला करना नंबर पांच रमजान का सौम रखना माह रमजान के रोजे रखना तो इस हदीस पाक में इस्लाम के पांच अरकान बयान किए गए हैं नंबर दो इस्लाम का पहला रुकन शहादतैन है जैसा कि आपने अभी सुना और आपने देखा कि इस्लाम का पहला रुकन शहादतैन है जिसका मतलब है इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूोद बरहक नहीं और मोहम्मद अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला रुकन करार दिया क्योंकि इस कलिमा के इक़रार के बगैर जन्नत में दाखिला और जहन्नम से नजात नामुमकिन है कोई इबादत शहादतन में मजकूरा दोनों शर्तों के बगैर मकबूल नहीं एक इख़लास जो ला का माना है दूसरा इतबाही सुनत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तकाज़ा है नंबर तीन ला इला की शहादत का मतलब क्या है ला इला की शहादत का मतलब यह है कि हर तरह की इबादतों परस्तिश का यको तनहा मुस्तक अल्लाह की जात है ला इला की शहादत का क्या मतलब है वो यह है कि हर तरह की इबादत और परस्तिश का यको तनहा मुस्तक अल्लाह की जात है वही सच्चा और बरहक मबूद है उसके सवा जिनकी भी इबादत की जाती है परस्तिश और पूजा की जाती है वो ताबूत और झूठे मबूद हैं और उनकी परस्तिश करने वाले बातिल परस्त हैं नंबर चार मोहम्मद वसल्लम को रसूल मानने का तकाजा क्या है और मोहम्मद सल्लम को रसूल मानने का तकाजा ये है कि आपके हुक्मों की तामील की जाए आप ने जो कुछ हुक्म दिया है उसको माना जाए उसे फॉलो किया जाए आप की खबरों की तस्दीक की जाए आपकी रोकी हुई चीजों से किया जाए बचा जाए और अल्लाह की इबादत का वह तरीका अपनाया जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में है अपने अपने जी से, अपने मन से मन और या किसी के कहे हुए तरीके से इबादत न की जाए बल्कि इबादत अगर हम अल्लाह ताला की करें तो हम अपने नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत और तरीके के मुताबिक करें यह है मोहम्मद को रसूल मानने का तकाजा। नंबर पांच सलात कायम करने का क्या मतलब है सलात यानी नमाज कायम करने का मतलब यह है कि उसको अल्लाह और उसके रसूल वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अंजाम दिया जाए नमाज को वैसे ही अंजाम दिया जाए वैसे ही पढ़ी जाए जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है या जैसे ने हमें तरीक़ा नमाज की की अदायगी का बताया है या आपसे जो तरीक़ा साहब कराम के ज़रिए से हमें पहुँचा है उसके मुताबिक हम नमाज को क़ायम करें नमाज को अदा करें उसके शुरुत अरकान और वाजिबात सुनन का लिहाज किया जाए नमाज के जो शुरूत हैं नमाज के जो अरकान हैं नमाज के की जो वाजिबात हैं और जो सुन्नतें हैं उन सब का पास व लिहाज करके उसे अदा किया जाए उसे नहाय खुशी और खुजू के साथ दिल लगा कर अदा किया जाए सलात की पाबंदी करने वाले के लिए बड़ी खुशखबरियाँ अहादी मुबारक में आई हैं जैसे कि सही जामे में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़े क्यामत सबसे पहले सलात यानी नमाज ही का हिसाब होगा जिसकी सलात दुरुस्त हुई यानी नबी नबीम के तरीके के मुताबिक हुई उसके सारे आमाल दुरुस्त होंगे और जिसकी सलात खराब रही उसके सारे आमाल खराब होंगे नंबर छे जक़ात की अदायगी का क्या मफहम है जक़ात की अदायगी का मफहम यह है कि अपने माल में गरीबों के हकूक का ख्याल किया जाए और जक़ात को उनके मुस्तकिन तक पहुँचाया जाए जक़ात की अदायगी से अल्लाह तला की रहमतें नाजिल होती हैं हिरसोतमा और बुख़ल जैसे बुरे अवसाफ से इंसान को की नफ्स को नफ्स को पाकि नसीब होती है इसके बरखिलाफ़ ज़क़़त ना अदा करने से दुनिया में कहत साली पड़ती है जैसा कि मसरद अहमद की रवायत से मालूम होता है और आखिरत में उस माल की तख्तियां बनाकर और उसे आग में तपा कर उससे ज़क़़त ना देने वाले की पेशानी पहलू और पेट पीठ को और पीठ को दागा जाएगा नीज यही माल गंजे सांप की शक्ल में आकर अपने मालिक के गले का तो बन जाएगा और उसे अपने जबड़ों से पकड़कर कहेगा मैं तेरा माल हूं मैं तेरा खजाना हूं जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस से मालूम हुआ जकत अगर किसी बंदे के पास 85 ग्राम गोल्ड है सोना है तो फिर उसके ऊपर ज़कवात फर्ज है और उस पर एक साल बीत गया हो अगर किसी बंदे की मिल्कियत में किसी मुसलमान मोमिन की मिलकियत में 85 ग्राम गोल्ड है सोना है और उस पर एक साल बीत गया है तो उसके ऊपर ज़क़़त फर्ज है इसी तरह से अगर किसी के पास किसी मुसलमान बंदे के पास पाँच सौ पंचानवे ग्राम सिल्वर यानी चांदी है और उस पर एक साल बीत गया है यानी पास यानी उसकी मिलकियत में मिल्कित तामा का होना जरूरी है उसकी मिल्कियत में अगर पांच सौ पंचानबे ग्राम चांदी है और उस पर एक साल बीत गया है तो उसके ऊपर जक़ात फर्ज है उससे अगर कम है तो फिर जक़ात फर्ज नहीं है इसी तरह अगर किसी के पास बकरियां चालीस बकरियां हैं जो अक्सर व बेशतर जंगलों में चरने वालियां हैं तो उनके ऊपर जकवात फर्ज है अगर उससे कम है तो, तो जकवात फर्ज नहीं है ऐसे अगर किसी के पास तीस गायें हैं जो अक्सर बेशतर मैदान में चरने वालियां हैं तो उनमें जकवात फर्ज है अगर उससे कम है तो जकवात फर्ज है तो नहीं है इसी तरह अगर किसी के पास पांच ऊंट है पांच ऊंट हैं और वो बाहर मैदान में चरने अक्सर बेशर चरने वाले हैं तो फिर उनके ऊपर जकवात फर्ज है अगर उससे कम है तो जकवात फर्ज नहीं है इसी तरह से अगर किसी के पास पांच सौ पंचानबे ग्राम चांदी खरीदने की कीमत के बराबर यानी चा पाँच सौ पंचानवे ग्राम चांदी जितने रुपये पैसे या टका रियाल वगैरह में ख़रीद सकते हैं उतना अगर किसी के पास पैसा है रियाल हो चाहे टका हो चाहे रुपया हो या कोई और करेंसी हो और उस पर एक साल बीत गया हो तो फिर उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है वरना ज़क़ात फ़र्ज नहीं है तो ये ऐसे माले तजारत है माले तजारत में भी जक़ात फर्ज है तो ये अल्लाह के नबी सल्लम ने इस्लाम का एक रुकन यानी तीसरा रुकन करार दिया है कि जक़ात अदा की जाए यानी इस्लाम का जो तीसरा रुकन है वह है जक़ात अदा करना इताई जक़ा जक़ात अदा करना और आपने अहादीस की रोशनी में जान लिया कि जकवात की, की अदायगी से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और हम हम किस किस तरह की मुसीबतों और परेशानियों से बच जाते हैं और अगर हम जकवात की अदायगी ना करें तो हमें क्या क्या मसायबो परेशानी किन किन मसायबों परेशानी का सामना करना पड़ेगा हमने अहादीत की रोशनी में इतसार के साथ जान लिया है सातवीं सातवां फ़ायदा या इस हदीस पाक से जो हमें हासिल हुआ वो ये है कि हज हज के बारे में हमने जाना कि इस्लाम का एक रुकन हज करना है हज बैतुल्ला है हज करने का मतलब क्या है हज करने का मतलब यह है कि अल्लाह की इबादत की गर्द से हज के महीनों में मक्का मुकर्रमा का रुख किया जाए और तवाफ़ काबा सफा मरवा के दरमियान सही फ आरफा मुजलफ़ा मना में शब गुजारी रमी जमरात और हल्को तकसीर वगैरह जैसी मखसूस इबादत बजा लाई जाए हर तंदुरुस्त और मुस्तें मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है हज मकबूल एक अजीम शादत है जिसका बदला जन्नत है अल्लाह के नबी से मरवी है हदीस बुखारी मुस्लिम कि है कि आप सल्लम ने इशाद फरमाया कि जिसने इस घर का हज किया यानी हज बेतुल्ला किया ना कोई बेहुदा गोई की और ना कोई फिस्क का काम किया तो वह अपने गुनाहों से उस दिन की तरह पाको साफ होकर लौटेगा जिस दिन अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ यानी सारे गुनाह अल्लाह ताला उससे माफ कर देंगे लेकिन याद रहे कि ये हुकुकुल आप आपसे माफ़ होंगे आप आपसे माफ आ, आ, आप आपसे माफ़ होंगे लेकिन जो इबाद है वो माफ़ हरगिज हरगिज नहीं होंगे उनकी उनकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी जिंदगी में में उसकी आ, ता, आ, उसकी आप सफाई कर, कर, कर ले नहीं तो फिर क़्यामत के दिन आ, उसे आपको अदा करना पड़ेगा आठवां आठ सौम रमजान सोम रमजान रम आ, हमने जाना कि इस्लाम के जो पांच अरकान हैं उनमें से जो पांचवा रुकन है इस्लाम का वो है सोम रमजान रमजान के रोजे रखना रमजान के महीने के रोजे रखना तो सोम रमजान से मुराद क्या है सोम रमजान से मुराद ये है रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत की गर्द से तुलजर से लेकर गुरुब आफ्ताब तक हर दिन खाने पीने और जमा बल्कि सोम को रोजे को खत्म कर देने वाली हर चीज से दूर रहा जाए यह है सोम रमजान का मतलब रसूलुल्लाह वसल्लम ने इरशाद इर्शाद हदीस है कि जिसने ईमान और हसूल सवाब की नीयत से रमजान का सौम रखा रोजा रखा उसके पिछले गुना बख्श दिए जाते हैं हदीस के कुछ यूं रमजान ईमानसाबा गोफियर من जम्बे कि जिसने ईमान और हसूल सवाब की नीयत से रमजान का रोजा रखा उसके पिछले गुना बख्श दिए जाते हैं नंबर नौ इस्लाम के मस्कूर अरकान में से किसी रुकन की फर्जियत का इनकार करते हुए उसे तर्क करने वाला काफिर हो जाएगा जैसे इस्लाम के अरकान क्या क्या है शहा, शहादतें और क्या है नमाज कायम करना जक़ात अदा करना और हज बैतुल्लाह करना और रमजान के महीने के रोजा रखना ये इस्लाम के जो पांच अरकान हैं इनमें से किसी रुकन की फर्जियत का इनकार करते हुए उसे तर्क करने वाला काफिर हो जाएगा मुसलमान नहीं रह जाएगा अलबत् सुस्ती और काहली से छोड़ने वाला सख्त गुनाह कबीरा का मरतकब और फासिक होगा लेकिन मिलत इस्लामिया से खारिज नहीं होगा सिवाय सलात के नमाज के कि महक्कीन इल्म की एक मतबर तादाद ने सुस्ती काहली से भी तारीख़ सलात तारीख़ नमाज को खारिज अज करार दिया है लिहाजा हमें किसी भी हालत में नमाज़ को नहीं छोड़ना चाहिए हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए अल्लाह आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए और अल्लाह ताला हमें नफ़ा बख्श इल्म माहमत फरमाए जिससे हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें अल्लाह ताला हम सब को हर तरह के बिदातु खुराफात और शुरियायात से बचाए दुनिया और आखिरत में कामयाब करें

उम्मीद करता हूँ कि कल के दर्स में अगर आपके पास वक्त होगा तो ज़रूर शरीक होंगे वालेक वरहुल्ल वक